बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 18 और 19 तारीख 11/11/99 श्री जयचंद भाई। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदादेव, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यम ध्यायन्ति योगिन, आमदम अक्षदम चैव, ओंकाराय नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यम ध्यायन्ति योगिन, कामदम मोक्षदम चैव, ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत, वचनामृत नंबर है 18। दृष्टि द्रव्य पर रखने की है। विकल्प आएंगे लेकिन दृष्टि तो एक द्रव्य के ऊपर ही है। जैसे पतंग आकाश में उड़े लेकिन इसकी दूरी हाथ में होती है, वैसे चैतन्य हूँ ऐसी दूरी अपने हाथ में रखना। विकल्प आवे फिर भी मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा बार बार अभ्यास करने से दृढ़ता हो जाएगी। ये द्रव्य दृष्टि की बात वापिस आई। संसार में हर प्रकार के प्रसंग बनते हैं, परिणाम में उथल पाथल रहती है, लेकिन हर प्रसंग के अंदर दृष्टि द्रव्य पर रखने की। कैसे रखना है दृष्टि द्रव्य के ऊपर? उपयोग तो बाहर है, फिर दृष्टि और द्रव्य तो अंदर में है, वो भी तीसरी गुफा में है, फिर उसकी दृष्टि कैसे रखें? दो जगह तो काम नहीं चलेगा ना, बाहर में भी देखना है और अंदर में भी देखना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ कहते हैं कि दृष्टि द्रव्य पर रखने की है। विकल्प आएंगे लेकिन दृष्टि तो एक द्रव्य के ऊपर है। विकल्प दुनिया भर के आते हैं और दृष्टि एक द्रव्य के ऊपर होती है। ऐसा हो सकता है जैसे कान सुनने का काम करे और आंख देखने का काम करे, दोनों अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि सुनना और देखना एक साथ में एक ही पदार्थ का हो। सुनना और किसी बात का होता है और देखना और किधर होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दृष्टि द्रव्य पे रखनी है, मतलब क्या कि विकल्प चाहे दुनिया भर के आवे फिर भी द्रव्य के ऊपर दृष्टि रह सकती है, वो बात कहना चाहते हैं हम। क्योंकि द्रव्य पे दृष्टि होगी तो शांति मिलेगी, द्रव्य पे से दृष्टि हट जाएगी तो अशांति हो जाएगी। दृष्टांत दिया इधर कि जैसे पतंग आकाश में उड़ती है तो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी नजीक आती है, कभी दूर चले आती है, डगमग भी करती है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में होता है। दूरी कहाँ है उसकी? पतंग आकाश में है लेकिन इसकी दूरी आकाश में नहीं है, उसकी दूरी अपने हाथ में है। दूरी माने कंट्रोलिंग पावर, जैसे रिमोट कंट्रोल लेता है ना, ये भी एक दृष्टांत। टीवी भले ही वहाँ है लेकिन रिमोट अपने हाथ में है, हम बड़े दूर बैठे हैं, टीवी को छूटे भी नहीं, फिर भी चैनल बदलना है तो अपने हाथ में सही चेंज कर लो। ऐसा इधर है कि पतंग भले ही आकाश में है लेकिन इसकी दूरी कंट्रोल पावर किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो जैसे पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन इसकी दूरी अपने हाथ में होती है, वैसे तुम भी ऐसा करो संसार के हर प्रसंग में कि भले चाहे जैसे विकल्प आवे, चाहे जैसे परिणाम होवे, चाहे जैसे संयोग होवे, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो,
चाहे उपयोग अंदर हो चाहे बाहर हो, दृष्टि में एक ही चीज, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये दोरी पकड़ के रखना। विकल्प आएंगे तो घबराना नहीं, विकल्प आएंगे लेकिन चैतन्य तत्व में हूँ ऐसा बार बार अभ्यास करना चाहिए तो ही दृढ़ता होगी। वो कैसे होती है, दो काम साथ में कैसे होता है? नाटक में एक रोल दिया गया राजा का, राजा का रोल दिया, अपने आप को भूल गया, डायलॉग तो पूरे राजा के याद कर रहा है। कल फाइनल शो है तो अभी आज दिन भर वही चलता है, मेरी एंट्री इस टाइम में होगी, मेरे को ऐसा बोलना है, ये ऐसी एक्टिंग करनी है, वो करनी है। और एक्टिंग करते वक्त भी फाइनल रोल आता है तब भी क्या अपने आप को भूल गया कि अपने को राजा सचमुच में मान लिया क्या? दृष्टि द्रव्य पे रखना माने क्या? क्या हम अभी जिस प्रवृत्ति में है, मनुष्य गति में है, स्त्री या पुरुष का अवतार है, और कई प्रकार के प्रसंग बनते हैं और उसमें कई प्रकार के हमारे परिणाम भी होते हैं, जब उपयोग बार होते हैं, कभी अशुभ भाव होता है कभी शुभ भाव होता है, ये सब घटना घट रही है। चैतन्य में क्या हो रहा है, चैतन्य में क्या बिगाड़ा है, क्या सुधारा है, कितनी कमी आई, चैतन्य में क्या हुआ, सब घटनाएं घट रही है, परिणाम बदलते जा रहे हैं, पूरा रोल नाटक चल रहा है, फिर भी अपने को ऐसा नहीं मानना, अपने को चैतन्य जानने देखने वाला ही मान। जैसे नाटक में कई प्रकार बनते हैं, रोल बदलते हैं, फिर भी हम तो अपने आप को कभी भूलते नहीं, राजा की एक्टिंग कर रहे इसलिए मैं राजा हो गया ऐसा नहीं मानते। ऐसे ही ये सब रोल करते करते, राग द्वेष के परिणाम करते करते, संसार के हर प्रसंग में गुजरते गुजरते अपने को परिणति जितना नहीं मानना, मनुष्य गति में हो तो अपने को मनुष्य नहीं मानना, स्त्री के अवतार में हो तो अपने को स्त्री नहीं मानना, पुरुष के अवतार में हो तो अपने को पुरुष नहीं मानना, अपने को अपना नाम बदल देना, अपना नाम क्या अभी जानने देखने वाला, अपना काम क्या जानना देखना, एक भी चीज को हटाना करना लाना ले जाना छोड़ना लेके आना ये सब अपना काम नहीं है, ये सब हो रहा है, हो भले ही रहा है लेकिन मेरा नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। ये दूरी पकड़े रखेगा तो कुछ नहीं होगा, तो घटनाएं घटती रहेगी, राग द्वेष होते रहेंगे, विकल्प भी आते रहेंगे, परिणाम कभी अच्छे कभी बुरे होते रहेंगे, लेकिन अपने को ऐसा मानना नहीं, अपने को तो शुद्ध चैतन्य मानना, जानने देखने वाला मानना, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। बस चेंज मान्यता में करना है, पहले चेंज जो होता है वो मान्यता में होता है। ज्ञान दशा में कैसे आती है, आत्मज्ञान कैसे होता है, पहले मान्यता बदलती है तो आत्मज्ञान होता है, फिर आत्मज्ञान में स्थिरता होती है तो आचरण में भी अपनी भूमिका अनुसार शुद्धि आती रहती है, फिर अशुभ भाव धीरे धीरे कम होते जाते हैं, शुभ भाव अधिक हो जाते हैं, और बाद में शुभ भाव भी खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होकर अकेला वितराग भाव रह जाता है, इस प्रकार से फिर परमात्मा बन जाता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत में मान्यता बदलना होता है, मैं फलाना फलाना हूँ गलत बात है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। किस वक्त चैतन्य आत्मा हूँ, जिस वक्त मेरा बाहर में पुरुष अवस्था है उस वक्त मैं चैतन्य आत्मा हूँ, जिस वक्त मेरे बाहर में मनुष्य गति में हूँ उस वक्त भी मैं चैतन्य हूँ, असल में मिला मूल स्वरूप तो चैतन्य है, जानने देखने वाला आत्मा हूँ, बस उसको नहीं भूलना, वो दोरी हाथ में रहेगी तो सब बराबर हो जाएगा, ये दोरी छूटेगी तो सब गड़बड़ है। मतलब पर्याय कैसी भी हो मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, दृष्टि द्रव्य पर रखने की है, अभी इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमको यही काम करना है।
ना मैं जवान हूँ, ना बुढ़ा हूँ, ना साधु हूँ, ना त्यागी हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना व्यापारी हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना राग वाला हूँ, ना द्वेष वाला हूँ, ना क्रोध वाला हूँ। किस वक्त? जिस वक्त वो परिणाम हो रहे हैं, उस वक्त, जिस वक्त राजा का रोल कर रहा है उसी वक्त अपने को अलग मानता है कि नहीं? राजा का रोल वक्त तो राजा बन जाता है, अपने को राजा मानता है, फिर राजा का रोल खत्म हो जाता है, तब वापिस जैसा अपने स्थिति में आता है, अपना ड्रेस पहन लेता है, तो अपने को ऐसा मान लेता है। ऐसा है? ऐसा नहीं है। कोई पुरुष नाटक करते करते कभी स्त्री का, पहले 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 जमाने में ऐसा करते थे, पुरुष ही स्त्री का रोल करते थे, तो ऐसा मेकअप वगैरह करके आते, तो क्या वो अपने को स्त्री मान लेता है? स्त्री का रोल करते वक्त, स्त्री की भाषा बोलते वक्त अपने को नहीं मानता है। अब मान्यता में अलग है, ऐसे मान्यता बदलनी है तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी। दृष्टि द्रव्य पे रहेगी तो धर्म की शुरुआत होगी, दृष्टि परिणाम पे रहेगी तो फिर गड़बड़ है, फिर तो आप बचा बचा नहीं सकोगे अपने आप को, फिर करना धरना सब होगा। द्रव्य पे दृष्टि रहेगी तो करना धरना मिट जाएगा अपने आप, करना धरना हो रहा है, मिटाना कैसे अब इसको? कई दुनिया भर के विकल्प आ रहे हैं और हम बंद करना चाहे तो बंद होते नहीं, अब क्या करें? कुछ करना धरना नहीं है, दृष्टि द्रव्य पे लेके जाओ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, विकल्प हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। बुरे विचार हो चाहे अच्छे विचार हो, मेरा कर्तव्य नहीं है वो। जड़ चेतन की जो अवस्था होती है, वाणी निकलती है, हलन चलन काया का होता है, खाना पीने की क्रिया होती है, बैठने करने की होती है, मेरी नहीं है कोई भी क्रिया, ये सब परिणाम में हो रहा है। मैं तो हर वक्त सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मैंने तो जानने देखने का ही काम किया है। मैंने खाना खाया नहीं है, पानी पिया नहीं है, ब्रश किया नहीं है, राग किया नहीं है, द्वेष किया नहीं है, हुए हैं सब कुछ, घटनाएं पूरी घटी है, मैंने नहीं की है वो चीज, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला ही रहा हूँ। माल बेचा है, पैसा आया है, गिनती भी हुई है, लेकिन मैंने नहीं की है, ये सब हुआ है, परिणाम में सब हुआ है। मैंने क्या किया है? मैंने जानने देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। भूतकाल अनंत काल में भी मैंने दूसरा कुछ काम किया ही नहीं है, और अभी भविष्य में भी अनंत काल तक मैं दूसरा कुछ काम कर सकता ही नहीं हूँ। मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं हाथ ऊंचा नीचा नहीं कर सकता हूँ, मैं खाना नहीं कर सकता हूँ, मैं राग द्वेष के विकल्प नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जानने का काम मैं कर सकता, जानने की ताकत मेरी है, इसके अलावा और कुछ करने की ताकत मेरी नहीं है। खाना खाना भी वही ताकत मेरी नहीं है, और खाना छोड़ना, उपवास करना, वो भी मेरी ताकत नहीं है, मेरा काम ही नहीं है वो। क्या ये अलग हो गए? रोल 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 चाहे कुछ भी हो, हम अलग हो गए, अब हम जानने देखने वाले रह गए। बस इस प्रकार से दृष्टि द्रव्य पर रखनी है, मोक्ष मार्ग की ये कला है। जब हम करने वाले नहीं है तो अच्छा होवे, बुरा होवे, ठीक होवे, अठीक होवे, कहाँ बात रहती है? जब हम करने वाले नहीं है, हम स्वामी नहीं है परिणाम के, परिणाम मेरे से भिन्न है और मैं अपरिणामी हूँ। क्लास ये हुआ मूल में गा, मूल से काट दिया संसार को। मैं करने वाला हूँ, अब मैंने गलत किया, अभी ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, ये सब गड़बड़ खत्म ही हो गई, मैंने किया ही नहीं है। पकड़ लिया चोर को और उसको पूछा, बोलो चोरी की थी कि नहीं की थी? तो बोला मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं वहां था, तो फिर फंसेगा क्या? मैं तो सिर्फ देख रहा था, या वहां था, या ऐसा था, वैसा, तुम फंसा हो, मैं वहां था नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो मूल से काट दिया। ऐसे ही मूल से काट देने का है, था तो भी पकड़ के पूछ पाछ वो ये सब चलेगा, मगज मारे उतना भी नहीं, कटेंगी बिल्कुल, मैंने किया नहीं है, राग द्वेष मैंने नहीं किए हैं, मैं करने वाला भी नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है,
अभी हो रहे हैं ना, परिणाम में भले ही हो रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इस प्रकार से नजर द्रव्य के ऊपर रह करके रागादि भावों की जो जवाबदारी है वो निकाल देना है, अपने सर पे नहीं लेना है। वो परिणाम में हो रहे हैं लेकिन अपने को उसकी जिम्मेदारी, उसका स्वामी पढ़ना, उसका कर्ता तो भाव छोड़ लेना है। जब क्रोध मैंने किया नहीं तो क्रोध को छोड़ने का सवाल नहीं, लेकिन नजर कहाँ रखनी है ये बात में इम्पोर्टेंट है। नजर द्रव्य के ऊपर है, जानने देखने वाले चैतन्य हूँ ऐसा मान्यता ऐसी है, और वो ये बोले कि मैं राग नहीं करता हूँ, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट बात है, क्योंकि वो जानने वाले को उसने देखा है और अनुभव भी किया है और नजर भी वहां है। अब बच गया वो, जानने वाले को देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, पहचाना नहीं, और ज्ञानी की नकल की है कि मैंने कहाँ राग द्वेष किया है, राग द्वेष कर रहा है, रुचि बाहर में है, संयोग पलट पलटते ही गड़बड़ हो जाती है, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं रहता है, ऊंचा नीचे परिणाम हो जाते हैं, और फिर ऊपर से बोले कि मैंने राग द्वेष नहीं किया है तो ये गड़बड़ है, ये संसार बढ़ाने वाला भाव है। दृष्टि द्रव्य पे मतलब मान्यता में ऐसा हो कि मैं जानने देखने वाला हूँ, अब राग आवे तो मेरा कर्तव्य नहीं, विकल्प आएंगे भले आवे, मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, मैं जानने देखने वाला हूँ, मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, तो ठीक बात है। नजर जानने देखने वाले पे नहीं है, दृष्टि वहां नहीं है, बाहर में कुछ हेरा फेरी करने का भाव पड़ा है, और फिर बोले कि मेरे को राग नहीं आता है, मैं राग का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, राग भी कर लेगा और मैं तो जानने देखने वाला हूँ करके अपने आप को धोखा देगा, कर्म छोड़ने वाले नहीं है, ये बदमाशी हो गई, तो आपको कर्म छोड़ने वाले नहीं, दृष्टि द्रव्य पे है, फिर राग आता है, द्वेष आता है, शुभ भाव हो अशुभ भाव हो जो भी हो सब माफ, दृष्टि द्रव्य पे नहीं है, मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा नहीं मानता है, करने धरने वाला हूँ ऐसा अभिप्राय है, फिर थोड़ी भी गलती करेगा फंसेगा, भलाई करने जाएगा तो भी फंसेगा, कर्म बन जाएंगे, कर्मों की निद्रा नहीं होगी, द्रव्य दृष्टि से कर्मों की निद्रा होती है, द्रव्य दृष्टि अंदर में नहीं है और भला भी करने जाएगा किसी का कर्म बंधन हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है वहां, कर्मों से बचाने वाला वो भाव है कौन सा, कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये बाकी जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है सब परिणाम में हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है, कर्मों की निद्रा है वहां पर, फिर खाओ तो भी खाने का पाप नहीं, क्योंकि नजर आत्मा में है, अपने को खाने वाला नहीं माना है, अपने को जानने देखने वाला माना है, खाते खाते वो अनुभव कर रहा है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा महसूस कर रहा है, रोटी मेरे पेट में नहीं गई, मेरा पेट ही नहीं है, बिल्कुल अलग हो गया है, ऐसे दृष्टि द्रव्य पे अगर है फिर चिंता की कोई बात नहीं, फिर तो पूर्व कर्मों के अनुसार जो जो प्रसंग आएंगे वो निपट जाएंगे, निद्रा हो जाएगी, आगे की लाइन क्लियर है, बिल्कुल नए कर्म बंधन नहीं होते, दृष्टि द्रव्य पे रहने से नए कर्म बंधन नहीं होते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव रहने से नए कर्म नहीं होते, गलती निकालने का भाव से नए कर्म बंधन होंगे, और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे तो नए कर्म बंधन नहीं होंगे, हमको गलती नहीं मिटाना है, हमको शांति में रहना है, और शांति में रहेंगे तो उसके लिए ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, गलती अपने आप निकल जाएगी, आप प्रयत्न करके देखो जाती है कि नहीं आती है, अब ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, अलग पड़ जाओ, अपेक्षा छोड़ दो, करने धरने की मगजमारी नहीं, जानने देखने मात्र रहो, फिर देखो क्या होता है, फिर गलती रहती है कि निकल जाती है स्वयं देख लेना, और शांति मिल जाएगी, बस जानने देखने मात्र से रहने से शांति मिलती है, ऐसा यहाँ पर ये बात है कि दृष्टि द्रव्य पे रखने की है, विकल्प आएंगे लेकिन दृष्टि एक द्रव्य पे है, तो मोक्ष मार्ग में आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, जैसे पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन दो हाथ में है,
जब तक दो हाथ में है तब तक पतंग का कब्जा हमारे हाथ में है। अब कुछ होने वाला नहीं है पतंग, जब तक दो हाथ में है तब तक। वैसे मैं चैतन्य हूं, ऐसे हर काम खाते पीते चलते फिरते मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसी डोरी अगर अपने हाथ में रही, परवाह की कोई बात नहीं हूँ। ये समझो पानी में है कमल, लेकिन पानी से भिन्न है, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। सब कार्य बार में जो जिस टाइम में जो होने वाले होते रहेंगे, लेकिन अपने को तो जानने देखने का भाव है, संपूर्ण वितरागता है। राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा, उदासीनता में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञाता दृष्टा भाव, उदासीनता, वैराग्य, ये सब अपने आप घटित हो जाएगा। विकल्प आवे पर चैतन्य तत्व ते हूँ छू, चैतन्य तत्व ते हूँ छू, मैं चैतन्य हूँ, मुझे चैतन्य को देखना है ऐसा नहीं, मैं ही चैतन्य हूँ। अब देखना नहीं है, मैं हूँ, ऐसे अपने आप को महसूस करना है। विकल्प आएंगे, लेकिन उसी वक्त मैं विकल्प करने वाला हूँ ऐसा करके नजर विकल्प पे नहीं रखनी है। विकल्प आएंगे, लेकिन मैं उस टाइम में मैं कौन हूँ विकल्पों का भी जानने वाला हूँ। ऐसा बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता हो जाएगी। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना बहुत मुश्किल है, जानने देखने मात्र रहना हर प्रसंग के अंदर। हम मोही प्राणी है, इसलिए हम रह नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ उठा पटक हमारा से हो ही जाती है। हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं बार बार, और यही गड़बड़ है सबसे बड़ी। अपने अस्तित्व को भूलना सबसे बड़ी गलती है। तारी भूल एटलीस्ट कि अन्य अन्य पोतानु मानवु अने पोते पोताने, बस ये एक ही गलती है जिसके कारण से पूरी गलतियां हो जाती है। फिर राग भी होगा, द्वेष भी होगा, क्रोध भी होगा, मान भी होगा, माया भी होगा, हिंसा, चोरी, झूठ, सब इसके कारण से ही होता है। अगर ये गलती निकल गई, मैं जानने देखना हूँ ऐसा पहचान लिया और ऐसा माना, फिर चाहे हिंसा के भी परिणाम अशुभ भाव भी अगर मानो हो पूर्व कर्मों के उदय, परवाह की कोई बात नहीं, उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है। भरत चक्रवर्ती 60,000 साल तक युद्ध किए, लड़ाई में ऐसा नहीं है कि हम किसी को मारेंगे नहीं करेंगे नहीं, आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार डालेगा। तो लड़ाई में तो पूरा लड़ाई होती है, नाटक थोड़ा होता है वहां पर। नाटक के मंच के ऊपर नाटक करो लड़ाई का, झूठ मूठ का मारो, वहां रियल जो हकीकत बनती है वहां क्या होता है। लेकिन उसी भाव में मोक्ष जाने का होता। कहने का मतलब क्या है, ज्ञाता दृष्टा भाव बचाया, कौन बचाया उनको? लड़ाई करते करते वक्त भी मैं लड़ाई करने वाला हूँ, क्रोध मुझे आ रहा है नहीं, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा क्षायिक समय दर्शन था उसी वक्त, उसी भाव में मुक्ति। फिर पूर्व के कर्म के कारण से रोल मिल गया तो वो नाटक हो रहा है बस, खुद को कुछ न लगो, सब रोल हिसाब किताब चुकते कर दिया है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कि हम किसी के सुख में निमित्त बनेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया है कि हम किसी के दुख में निमित्त बनेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया वहां पर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि 96,000 रानी को अपने को पारिवारिक सुख देना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हुआ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इतने लोगों को मेरे वजह से दुखी होना है, क्योंकि हम उसने हमारे को दुख दिया है पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण से हमने भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, मतलब कि हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ हुई, जिसने हमको तकलीफ दी थी उसको खत्म, हिसाब किताब सर्वर, अब आप जाओ मोक्ष में शांति से। वो हिंसा के वक्त भी अपने आप को बिल्कुल भिन्न मानते थे, मैं भरत चक्रवर्ती ही नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, वो एक सेकंड भी भूलते नहीं थे। बस ये दृष्टि द्रव्य पे होने से बाद में अहिंसा का भाव हो चाहे हिंसा का भी हो कैसा भी भाव हो, परिणाम है वो तो परिणाम के ऊपर पूर्व कर्म अनुसार परिणाम चलते हैं। सब उठा पटक जो भी होती है होने दो, अपुन जैन चैतन्य आत्मा है, जानने देखने वाला है। ऐसा चमत्कार है सम्यक दर्शन का, एनसी के वतना आगे आएगा कि सम्यक दृष्टि को
आत्मा का अनुभव हुआ है तो मानो चैत्य सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया है। इस चक्रवर्ती को चक्र हाथ में आता है तो उसको किसी की हिंसा नहीं करनी है तो भी जाना पड़ता है लड़ाई करने के लिए, और वो स्वयं को जाना पड़ता है, सेनापति जाए तो नहीं चले, उसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है चक्रवर्ती के जीव। जब उसके पुण्य का उदय आता है तब जब उसके शस्त्रागार में चक्र अपना उत्पन्न होता है तब से वो चक्रवर्ती है। अब उसको उपयोग करना ही पड़ता है, तो उसको स्वयं को लड़ाई करने के लिए 6 खंड को जीतना पड़ता है। सबको मालूम क्या आता है कि ये चक्रवर्ती हुए हैं, चक्र उनके हाथ में है, सब लोग इसके अंदर में आ जाओ, सब राजा डर के मारे अंदर आ जाते हैं। जो नहीं आया उसको लड़ाई करने के जीतने के लिए जाना पड़ता है, उसको स्वयं को जाना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है पूर्व कर्म का, स्वयं लड़ाई करते हैं, इस प्रकार स्वयं हराते हैं, वो जीत के आते हैं। ये सब रोल बन रहा है, और स्वयं कौन है उसी वक्त अपने को क्या मानते हैं, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये मेरा कोई कार्य नहीं है, ये सब उठा पटक सब भी हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है, एक नाटक का एक वेश है मात्र, ये क्रियाएं हो रही है, भाव हो रहे हैं, उठापटक हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ कर सकता भी, ये बात पात बस, अब कुछ नहीं होगा उसका, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जानने देखने का क्या चमत्कार है, कर्मों की निजरा करने का कितना बड़ा साधन वो अपने पास है, किसी दूसरे के हाथ में हमारी जिंदगी नहीं है। अब डूबना की तिरना वो किसके हाथ में है, कोई भगवान के हाथ में नहीं है, किसी भगवान के हाथ में नहीं है, किसी मंत्र तंत्र में नहीं है, और गुरु के हाथ में नहीं। गुरु ने बता दिया ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, अब अपने हाथ में आ गई चाबी, क्योंकि साधन तो हमारे पास, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, जानने देखने वाले मात्र रहेंगे, संसार सागर तीर जाएंगे, और वहां नहीं रह पाए जितनी गलती की उतना डूबना है। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो तो परिणाम चाहे जैसे हो तीर जाओगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं हो शुक्ल लेसा के परिणाम होंगे, शुभ कसाय होगा ऐसा मन में मंद तो भी डूब जाओगे। ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं हो सारे शास्त्र का नॉलेज आपके पास होगा तो भी डूब जाओगे, तीरने वाले नहीं हो, कुछ नहीं जानते, एक अक्षर भी नहीं जानते, और परिणाम में पूरे गड़बड़ है, तो भी ज्ञाता दृष्टा भाव है मैं चैतन्य हूँ ऐसा अभ्यास है, उसकी परिणति है, उसकी पहचान है, और वैसा परिणाम मन भी चालू होगा अंदर में, बाहर में कुछ भी हो संसार सागर तीर जाओ। किसके हाथ में जिंदगी और मौत, किसके हाथ में है जन्म मरण मिटाना और नहीं मिटाना, किसके हाथ में है? मंत्र तंत्र औषध नहीं, जेती पाप पलाय, वितराग वाणी बिना और न कोई उपाय। वितरागता वितर ज्ञाता दृष्टा भाव कहो, वितरागता कहो, आत्म शांति कहो, एक ही बात है बोली, इसके बिना बचने का कोई उपाय नहीं है, मंत्र भी नहीं बचाएगा, तंत्र भी नहीं बचाएगा, और कोई स्वर्ग से आकर के कोई इंद्र आदि भी नहीं बचाएंगे। ये वितरागता का जो मंत्र है, दृष्टि द्रव्य दृष्टि, मैं चैतन्य हूँ जानने देखने वाला हूँ, परिणाम के जैसा मैं नहीं हूँ, मैं परिणाम से भिन्न हूँ, अपरिणामी हो, इसकी पहचान, इसकी अनुभूति, इसकी बारंबार का अभ्यास, उसका गुंटन, उसका मनन अंदर में, उसका जानन देखन, उसका ही सब लाइन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, इसलिए माता जी ने कहा दृष्टि द्रव्य पे रखनी है, विकल्प चाहे जैसे आवे लेकिन दृष्टि एक द्रव्य पर है, जैसे पतंग आकाश में उड़ रही है लेकिन दौर अपने हाथ में होता है तो कुछ भी नहीं है, फिर वो कटी नहीं है, वो अपने हाथ में ही है, वैसे चैतन्य छू ये दौर हाथ में राखो। विकल्प आवे, बिजनेस के विकल्प भी आवे, आत्मा के विकल्प भी आवे, पर चैतन्य तत्व ते हूँ छू, मैं विकल्प करने वाला नहीं, मैं विकल्प का जानने देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा बार बार अभ्यास करने से दृढ़ता हो जाए, विकल्प का जानने देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा बार बार अभ्यास करने से दृढ़ता हो जाएगी।
मार्ग में प्रवेश होगा। इस प्रकार से कार्य करना है। ये 18 नंबर का बोल हुआ। अब 19 नंबर का बोल। ज्ञानी को अभिप्राय में राग है वो जहर है, जहरी नहीं काला नाग है, सर्प के बराबर है वो। जैसे काला सर्प देखे तो भाग जाते हैं, उसके सामने नहीं जाते हैं, बचने का प्रयत्न करते हैं, देखते ही डर लगता है, देखते ही डर लगता है। तो ज्ञानी को अभिप्राय में राग है वो जहर है, काला सर्प है। एक्शन पूरे हो रहे हैं बाहर में, अज्ञानी के जैसे वर्तन हो रहा है। ज्ञानी को अभिप्राय में राग है वो जहर है, काला नाग के बराबर है, तो ही वो ज्ञानी है। अंत मात्र भी कर्तत्व भाव रहे, करना या नहीं करना रहे, ऐसी जो अंदर में वृत्ति होती है वो उसको ज्ञानी को सुख आती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उल्टा बोझा लगता है। अभिप्राय हो रहा है परिणाम, ऐसा करना नहीं करना ऐसे परिणाम हो रहे हैं, भविष्य के प्लानिंग भी हो रहे हैं। बाहर गाँव जाना है तो आगे से रिजर्वेशन क्यों मंगाता है फिर, वो भी है, निदान भी है, निवृत्ति को चाहता भी है, प्रवृत्ति से छूटना चाहता है, करना नहीं करना सब है, संग करना है इसका और इसका नहीं करना है, ये भी है। देखो राग द्वेष के परिणाम पूरे हैं, अच्छा बुरा चॉइस भी उसके परिणाम में है, चॉइस ये करना ये नहीं करना, कुसंग नहीं करना सत्संग करना, व्यापार के भाव ना हो और सत्संग ज्यादा हो, ये सब चॉइस भी रहेगा, निदान भी रहेगा, भविष्य का प्लानिंग भी रहेगा, परिणाम में सब कुछ करना भी है और नहीं करना भी है परिणाम। लेकिन ज्ञानी को अभिप्राय में जो जितना भी ये गड़बड़ हो रही है, करने नहीं करने वाली, परिणाम में जो है वो कैसी लगती है, जहर के समान लगती है, काले नाक के बराबर लगती है। एक सेकंड भी ज्ञानी पुरुष चाहते नहीं है कि ऐसा सु गड़बड़ चलती रहे हमारी अंदर में, अभिप्राय ऐसा हो गया है, क्योंकि करना और नहीं करना दोनों नहीं रहते हैं तब शांति मिलती है, और उसने शांति का स्वाद चख लिया है, ज्ञाता भाव में रहा हुआ है, तो शांति का स्वाद उसको मालूम होने से उसको जो जितना भी करना और नहीं करना हो रहा है परिणाम में अभी भी, क्योंकि अभी पूर्ण परमात्मा तो हुआ नहीं, वितराग तो हुआ नहीं, तो ये सब गड़बड़ परिणाम में चल रही है और उसके ध्यान में भी है पूरी बात। जानने देखने वाला रहता है तो शांति है, और करना नहीं करना रहता है तो अशांति है, तो अशांति उसको कैसे लगती है, जहर के समान लगती है। ये अभिप्राय में, अभिप्राय में जहर लगता है, फिर भी परिणाम में ये सब गड़बड़ हो रही है, ऑफिस अच्छा नहीं लगता है फिर भी वही कार्य कर रहा है, ये दोनों साथ में रहना चाहिए। मेरे पास वो उसके अंदर है बुक, वहाँ पड़ी ऊपर है क्या, वो दुकान पे होंगे ना, कल लेके। गुरुदेव का भी बोल है कि राग आता है तब ज्ञानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राग को हटाना भी नहीं चाहता है। राग आवे, करना नहीं करना होवे परिणाम में, और अगर उसको अच्छा लगे तो ज्ञानी नहीं है, अच्छा तो लगना ही नहीं चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होवे तो ज्ञानी नहीं, और वो राग को हटाने का प्रयत्न करे तो भी ज्ञानी नहीं, कोई अटपटी दशा है। राग आवे और दुखी भी होता है फिर भी राग को हटाने का प्रयत्न भी नहीं, बहुत दोधारी तलवार पे चलने जैसा मामला है, बहुत डिफिकल्ट है वो, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं, यानी कि दशा को नहीं समझने का यही कारण है। वो तो भूतकाल में गलती की थी, उसी का किया मतलब क्या, भूतकाल की गलती है। अब पलटी कैसे मारेगा वो, छूटेगा कैसे वहां, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा तो ही छूटेगा, बाकी नहीं छूटेगा। तो राग को हटाने का प्रयत्न भी नहीं, और राग आता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, उस कीचड़ में ही रहना पड़ता है,
निरंतर वो भाव वृद्धि का होता है और बढ़ता है और बढ़ता है, निषेध अंदर से आता है। जब एकदम तूफान आ जाए जैसा निषेध आएगा ना, एकदम टॉप क्लास एकदम जोर से निषेध अंदर में चयन करते 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 एक दफे तूफान आएगा तो क्या होगा, सीधा अंदर में उतर जाएगा। आचरण की स्थिति, अंदर में रहने की स्थिति बढ़ जाएगी। जितना बाहर में दुख पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा फिर, और तो कोई शरण है नहीं, कहाँ जाएगा। दुख बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि अब सहन के बाहर है, कहाँ जाएगा। अब घर तो देखा है चैतन्य घर, शांति का धाम तो देखा है, बाहर में जितना दुख नहीं कम लगता है तो भी प्रमाद होता है। बाहर में दुख बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया गले तक, अब नहीं रह पाता हूँ, तो क्या होता है, एक जोर से एक अंदर से ही बल ऐसा आता है, इसका उपयोग अंदर ले जाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप अंदर चले जाता है सीधा। तो ज्ञानी को अभिप्राय में ये जो करना और नहीं करना जो हो रहा है, अच्छे और बुरे भाव, इन सब के सब कैसे है, जहर के समान है, काले नाक के बराबर है। हजू आसक्ति ने लेने ज्ञानी बाहर थोड़ा उभा छे, आसक्ति मन पर पदार्थ में प्रेम, मेरा मकान, मेरा लड़का, मेरा अभी मेरा पना गया नहीं, क्योंकि मोह के दो प्रकार है, एक दर्शन मोह और एक चरित्र। मेरा 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 जो है उसका दो भाव, एक अभिप्राय पूर्वक मेरा और एक आचरण पूर्वक मेरा। ये आचरण पूर्वक मेरा अभी रहा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़े, मेरे लते, मेरा 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 अभी भी है। ज्ञानी को स्वरूप को देखने के बाद भी मेरा मेरा है। दो भाई ज्ञानी भाव भरत बाहुबली होंगे लेकिन जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जबकि ये मालूम है कि शरीर भी मेरा नहीं, दोनों का एक समय दृष्टि है, उसी भाव मौक जाने वाले हैं। क्या उसी भाव में मौक जाने वाले, दोनों सहायक समय दृष्टि है, दोनों को मालूम है एक रजकण भी मेरा नहीं है, फिर भी छोटे से गांव के लिए लड़ाई दोनों के बीच, फिर भी इतना ईगो प्रॉब्लम। देखो ये क्या बात बताते हैं, क्या चीज है। और लड़ाई करते उस वक्त भी मैं तो आत्मा हूं, मैं चैतन्य मात्रा हूँ, एक रजकण भी मेरा नहीं है, वो अभिप्राय पड़ा है। अब कैसे समझोगे, ज्ञानी कैसे मानोगे, हूँ सारी दुनिया में हाहाकार मच जाता है और वो दोनों लड़ रहे हैं एक टुकड़े के लिए, जो कि वो भरत भरत भी चाहता है कि तुम तेरा राजा आराम से रहो, से एक दफा नमस्कार कर ले बात खत्म, मैं तुम्हारे तुम तो भाई हो मेरे, नहीं करूंगा इतनी भी आधीनता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। नमस्कार करने से वो जमीन उसकी अपनी रहती है, कुछ भरत की नहीं हो जाती, वो भी वो चाहता है कि भाई नमस्कार करो, वो चक्र का काम पूरा हो जाए, ये फॉर्मेलिटीज जो है, तो तेरे राज में तू आराम से रहे, मैं तुम कुछ भी कर रहे, मेरे को क्या करने का है। हाँ नहीं, ये तो बेचार दिवस में फैटलो आ गया, पर बीजा लड़ाई हो ना, बीजा बीजा खंड जीतवा में टाइम लागे, एम जीतता 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 आवे आ पास छेले लास्ट, एक भाव 6 महीना 2004 को होना चाहिए। हां पे 6 महीना से तो लड़ाई के मैदान में ही 6 बजते ही लड़ाई स्टॉप और ध्यान मंदिर हो जाता है, वहाँ देवों की रचना है, ऑर्डर करते हैं, अरे फौरन एकदम। उस वक्त भी भिन्नता है, उस वक्त भी भिन्नता तो चालू है, लड़ाई करते करते मैं लड़ाई करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, वो चालू है। और लड़ाई का कर्तव्य खत्म हुआ 6 बजते ही, 1 सेकंड के अंदर ध्यान मंदिर लड़ाई के मैदान में ही बनता है, देवों की रचना से सीधा चले जाता है, और नेक्स्ट मोमेंट में निर्विकल्प अनुभव होता है। अब क्या हिसाब किताब करोगे उसका, 6 महीना चले तो 6 महीना के बाद आनंद मंदिर में तो था। हाँ उनकी तो क्या बात करें, महापुरुषों की तो बात ही करना,
एक सेकंड में लड़ाई करे, दूसरे सेकंड में निर्विकल्प हो जाए, कितना ज्ञाता द्रष्टा भाव में रहते हो, कितनी जबरदस्त ज्ञानधारा होगी, कितना बल होगा, वैसा बल तो अपने में भी कहाँ है। सहायक समय दृष्टि की बात अलग रहती है। हजु आसक्ति ने लेने ज्ञानी बाहर थोड़ा उबा छे, अभी चारित्र का मोह बाकी है, दुकान मेरी नहीं है ऐसा नहीं है, मेरी है ऐसा है, एक बार जो अभिप्राय में क्या है, गंथ मात्र भी मेरा नहीं, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, दूसरी ओर ये दुकान मेरी है, ये शर्ट मेरा है, झगड़ा भी करते हैं शर्ट के लिए, मेरा शर्ट तू क्यों पहना, उतार। देखो सब होता है, ये जमीन के टुकड़े के लिए भी लड़ाई होती है, क्योंकि आसक्ति का भाव है, अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं है, पूर्ण वितराग दशा इसलिए नहीं है कि पूर्ण ज्ञाता भाव नहीं है, इतना प्रमाद हो रहा है, निरंतर जानना देखना मात्र नहीं रहते हैं, जितना प्रमाद है उतना गड़बड़ है, इसलिए तो कहा ना दृष्टि द्रव्य पर रखनी है, आगे आगे बढ़ना है, द्रव्य पर से दृष्टि हटी और जानने देखने मात्र हट गया और करने धरने वाले बन गए, यहाँ रुकना होगा, करने नहीं करने में फंसे तुम्हारे, और जानने देखने वाले रह गए तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे ही आगे बढ़ो। तो अभी आसक्ति के कारण हजू आसक्ति ने लेने ज्ञानी बाहर थोड़ा उबा छे, अभी मेरा तेरा चल रहा है, राग द्वेष हो रहा है, करना नहीं करना हो रहा है, निदान हो रहा है, भविष्य की प्लानिंग है, अच्छा बुरा लग रहा है, अपमान भी फील हो रहा है, व्रत पचकार नियम वगैरह कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, अंदर में ज्ञाता दृष्टा का जबरदस्त पुरुषार्थ नहीं है, जितना है उतना फायदा है, जितना नहीं है उतना गड़बड़ है, इसलिए आ सकती है, ज्ञाता दृष्टा भाव निरंतर नहीं चलता इसलिए आ सकती है, इसलिए अभी मेरा मेरा अपना जो है वो छुटा नहीं है, तो ज्ञानी बाहर थोड़े खड़े हैं, राग है नहीं ऐसी बात नहीं, राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध भी है, अभिमान भी है, सब है, परिणाम में सब है, लेकिन पण अभिप्राय में काड़ो सर्प लागे छे, ये अपनी परिणति की हालत देख करके, देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, अपने आप को कोसते हैं क्या, ऐसे परिणाम देख करके उनको अच्छा नहीं लगता है, कहाँ मैं और कहाँ है ये भिखारी, मैं तो सेंसा तीन लोक का नाथ देवादि देव चैतन्य सम्राट हूँ और मेरे को ये शोभा देता, इतनी आसक्ति मुझे शोभा देती नहीं, अंदर में दिल तकलीफ होती है, अंदर में दर्द होता है, अंदर में अभिप्राय में काला नाक के बराबर लगता है, अगर दर्द तकलीफ नहीं है, परिणाम में गड़बड़ देख करके अगर तकलीफ नहीं होती है तो वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन गड़बड़ अठाग्रह से कृत्रिमता से एक भी कसाय को हटाने का प्रयत्न करेगा तो भी ज्ञानी नहीं, इसको बोलते हैं दोधारी तलवार, तकलीफ को सहन करना है, हटाने बनाने का भाव नहीं है, ज्यादा दस्ता भाव में रहना है, एक भी गलती को हटाना नहीं है, अभिप्राय में काड़ो सर्प लागे छे, ज्ञानीओ विभावनी वच्चे उभा होवा छतां विभावथी जुदा छे, न्यारा छे, अभिप्राय में काड़ो सर्प लागे छे, दुखदायी लगता है, ये करना नहीं करना छे तो मौत अच्छी, कहीं भाग जावे, कहीं ऐसा हो जाए, यहाँ नहीं रहना है, शांति में रहना है, उठापटक नहीं चाहिए मेरे को, अभिप्राय में ऐसा है, तकलीफ है, लेकिन ऐसे विभावों के बीच में रहने पर भी ज्ञानी कैसे है, विभाव से बिल्कुल अलग है, न्यारा है, जुदा है, जुदा है तो हटाने का प्रयत्न भी नहीं, जो है जैसा है चलने दो, अपन अपने ज्ञान में रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, तो वहां ही रहते हैं प्रतिकूलताओं के बीच में, भागते नहीं है उसको, रागादि भावों को हटाने का प्रयत्न नहीं है, ज्ञाता भाव में रहने का प्रयत्न है, रागादि को हटाने का प्रयत्न एक बात है और ज्ञाता भाव में रहने का प्रयत्न दूसरा बात है, कौन सा प्रयत्न ज्ञानी करते हैं,
ज्ञानी कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञाता भाव में रहने का पुरुषार्थ करेंगे कि राघा जी को हटाने का पुरुषार्थ करेंगे? ज्ञाता भाव में रहेंगे तो राघा जी होंगे ही नहीं, क्या अपने आप हट जाएंगे, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राघा जी को हटाने जाओगे तो ज्ञाता भाव चुक जाएगा तो राघा जी और हो जाएंगे, क्या एक को निकालोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को निकालो तीसरा आ जाएगा, कब तक कर निकालते रहोगे? ज्ञानी को गलती अच्छी नहीं लगती है, राग द्वेष के भाव अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो अज्ञानी को अच्छे लगते हैं, ज्ञानी को कभी अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो छूटना चाहते हैं सबसे, किसी का संग नहीं चाहिए। फिर भी अगर मजबूरी है तो फिर स्वसंग में रहना नहीं होता है, तो मजबूरी है तो फिर गुरु का संग, वो भी अगर हमारा इतना भाग्य नहीं है तो मुमुक्षुओं का संग, बाकी किसी का संग मुझे नहीं करना है, जिसको आत्मा की बात भी सुहाती नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का दिल भी नहीं होता है, वहां जाने का भी दिल नहीं होता है, वहां जाते हैं तो जीभ पे ताले लग जाते हैं, क्या बड़बड़ करना है इनके साथ, ऐसा हो जाता है, चित्त वहां ठहरता ही नहीं। तो ऐसी दशा है, राग अच्छा नहीं लगता है लेकिन हटाने का प्रयत्न नहीं होता है, राग को हटाने का प्रयत्न वो भी एक राग है, राग का जानने देखने वाले। इसलिए कहा कि अभिप्राय में काला नाग लग रहा है फिर भी ज्ञानी विभाव के बीच में खड़े हैं, अभी पूर्ण वितरागता नहीं है तो वहां परिणाम में राग द्वेष के भाव है, उनके बीच में ज्ञानी है तो भी विभाव से भिन्न है, न्यारा है, कहाँ है वो अपने ज्ञायक भाव में है, जानने देखने वाले भाव में है। ये जानने देखने वाला भाव है वो बहुत जबरदस्त काम करता है, दुनिया को मालूम नहीं है कि एक भाव में कितनी ताकत है, जानने देखने वाला भाव वही वितरागता है, करने नहीं करने वाला भाव तो राग है, राग द्वेष के परिणाम में और बंधन होता है उससे तीव्र, और जाता जैसा भाव में रहोगे तो चाहे जैसे बंधन होंगे सब टूट जाएंगे, भाव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, कर्मों की कड़ियां वो उसमें आता है, उपुता में खिल जावे अंतर की कलियां, अत ज्ञाता दृष्टा रह जाओ मद मत्सर मोह विनस जाए, पूजा महा ज्ञाता दृष्टा भाव की बात है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो तीर जाओगे, तो ये ज्ञानी की दशा बताई, हमको भी अगर ज्ञानी बनना है तो हमको भी ऐसा करना है, भले एकदम नहीं हो सकता है तो प्रयत्न करना है, ऊपर के बोल में आया ना कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा बारंबार अभ्यास करना, विकल्प आएंगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसी वक्त मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ऐसा बार 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 अभ्यास करोगे तो दृढ़ता हो जाएगी, ऐसा करते करते ज्ञान दशा में प्रवेश हो जाएगा, ज्ञान दशा के बाद भी काम तो वही करना है, ज्ञानी हो गए तो अभी बाहर में तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बाहर में तकलीफ होगी, उठा पटक होगा, परिणाम में भी गड़बड़ हो जाएगी, जैसा जिस टाइम में जो होने का है वो राग द्वेष के भाव सब भाव आएंगे, लेकिन वो सुहाते नहीं है और उसी वक्त उससे भिन्नता है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, बस ये लाइन चल रही है बराबर, फिर धीरे 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 कर्मों के निजरा होते होते सब कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं, सुख के दुख के प्रतिकूलता के अनुकूलता के सब धीरे धीरे सब कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाएंगे, कर्मों के निजरा होकर के एकदम लाइन बैठ जाएगी बिल्कुल। तो ये 18 नंबर 19 नंबर अब 20 नंबर ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, ज्ञानी बनना है तो क्या करना है, कौन से भाव रहना चाहिए, मारे काई जोतुज नथी, जोतु नथी जोतुज नथी, इसमें फर्क है कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन आप दोगे तो लेना है, इतना नहीं जो तो आप दो तो भी नहीं लेना है, जो तूज नहीं, बहुत बड़ा वेट है उसके ऊपर, जो तूज नहीं, चाहिए ही नहीं, किसी कीमत में नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मारे काई जो तूज नहीं, कोई पर पदार्थ नहीं, लालसा नहीं, आत्मा जो ये है, बस ये मुमुक्षु को ये भाव होगा तो ज्ञानी बन जाएगा वो, दूसरा पहले ये सीख लूं, पहले वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब नहीं, वो डिवाइड ध्यान बट गया,
जो है एक जगह नहीं लगते हैं, एक जगह लगने से काम होता है, दो चार जगह लगाओगे तो नहीं होता। आश्चर्य की बात है कि जीवन में दुख के प्रसंग आने पर भी जीव दो दो धारी तलवार पे चलता है, संसार भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है, टाइम कैसे पास होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, सब टाइम अपने आप पास हो जाएगा। शांति चाहिए कि क्या चाहिए, टाइम पास करना है कि शांति चाहिए, टाइम पास करने वाला भाव गड़बड़ है कुछ, हमारे को हमारे पैर पे खड़े रहने का भाव और शांति चाहिए, दोनों भाव अलग अलग है। शांति चाहिए मारे कहीं जोतू ज नहीं, कोई पर पदार्थ की लालसा नहीं, आत्मा जोइए छे, आत्मा जोइए छे कहो या शांति चाहिए, दोनों एक बात है। मुझे तो शांति ही चाहिए, ऐसी देवी जेने तीखी तमन्ना लागे, ऐसा जिसका अंदर में भाव हो उसको तो मार्ग मिलता ही है, मिलना ही चाहिए, मिलता ही है, मरे छुटको छे। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि डबल भाव है, एक भाव रखो कि शांति ही चाहिए किसी भी कीमत पे, सब कुछ कुर्बान उसके लिए, शांति के सामने इज्जत आबरू सब धन दौलत सब सब कुर्बान, अपना हक का हो तो भी अनहक का हो तो भी हमको नहीं चाहिए, आप दो तो भी नहीं चाहिए, शांति ही चाहिए, ये भाव रहना कि नहीं इतना तो मेरा हक बनता है तो ले लो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं आप नहीं चाहते लेकिन हम देना चाहते हैं तो भी नहीं चाहिए, हमको एकमात्र शांति चाहिए, ये भाव रहना चाहिए, एक भाव रहेगा तो काम हो जाएगा। मारे कहीं जोतू ज नहीं, कोई पर पदार्थ की लालसा नहीं, आत्मा जोइए एवी जेने तीखी तमन्ना लागे तेने मार्ग मरे छुटको है, उसका गारंटी से काम होता है। अब भाव चेक करना अपने भाव कैसे हैं, और भी कुछ चाहिए क्या हमारे, ये भाव चेक कर लेना। अंदर मां चैतन्य रुधि छे ते रुधि संबंधी विकल्प मां पण ते रोका तो नहीं, जितना जितना ज्ञाता भाव में रहता है, जितना जितना आत्मशांति के लिए प्रयत्न करता है उतना उतना जीवन में शांति आती है, परिणाम में विशुद्धि आती है, कसाय मंद होता है तो आगे बढ़ गया तो लगता है नहीं मुझे तो पूरा चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ा नहीं चाहिए, अभी मंजिल कहाँ मिली है, तो जो कुछ भी फायदा होता है उसको भी वो नजरअंदाज कर देता है। अंदर मां चैतन्य रुधि छे ते रुधि संबंधी विकल्प मां पण ते रोकातो नथी, आटलो तो आगे वध्यो ने, इतना तो आगे बढ़ा ना, पहले तो ऐसा था अब तो ऐसा हो गया, भगवान के जैसा हुआ क्या मैं, हुआ तो नहीं, भगवान की क्या बात, मुनिया जैसा भी नहीं हुआ है अभी तो, श्रावक भी नहीं है अभी तो, है क्या ज्ञानी नहीं, एक भी विकल्प में रुकना नहीं, जब तक पूर्ण शांति नहीं मिले तब तक मैं कहीं ठहरने वाला नहीं हूँ, ये वो निष्प्रो थी जाए से, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये आंशिक शुद्धता मुझे नहीं चाहिए, इतने सारे गुण प्रकट हुए गुणों की प्राप्ति मुझे नहीं, मुझे तो पूरा खजाना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के दे मुझे नहीं चाहिए कि नहीं अभी पहले क्रोध आ रहा था अब क्षमा भाव आ रहा है, ठीक है मेरे को क्षमा का भंडार चाहिए, क्षमा नहीं चाहिए, ये थोड़ा ज्ञान तो बढ़ा ना, केवल ज्ञान का जो मूल खजाना है वो मुझे चाहिए, केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केवल ज्ञान का खजाना, थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं चाहिए, एक एक गुण बढ़ता है नहीं चाहिए, पूरा ऐसा अखूट खजाना जिसमें से गुण निकले निकले तो भी खत्म नहीं होगा, खजाना मुझे चाहिए, मुझे गुण नहीं चाहिए। तो अंदर में चैतन्य रुधि है उस संबंधी विकल्प में भी वो रुकता नहीं है, देखो इतना तो आगे बढ़ा, इतना कसाय कम हुआ, इतनी कर्मों की निद्रा हुई, इतनी शांति मिली, शांति नहीं चाहिए, शांति का खजाना चाहिए, क्या चाहिए, फर्क है वो दोनों में, शांति मिलेगी वो एक समय की परिणति है फिर चले जाने वाली है, और खजाना तो क्या चाहिए, वेदन चाहिए कि वेदन जिसमें से निकले वो खजाना चाहिए, माप तोल चल रहा है, इतना तो आगे बढ़ा, इतना वेदन तो आ रहा है, इतना तो ये तो हो रहा है, अरे भैया फंस गया तू, ये फंस गया,
अब मुझे वेदन तो अच्छा आ रहा है मरा हो, क्योंकि वो वेदन में वो शांति में फंस गया, वो शांति के खजाने के पीछे नहीं है। उसको शांति का खजाना मिल सकता था, लेकिन वो कहाँ उसकी बुद्धि में कहाँ रुक गई, वो थोड़ा वेदन में रुक गया, परिणाम पे नजर चले गई, द्रव्य पर से दृष्टि हट गई, कहता दृष्टा भाव छूट गया, संतोष आया, सब गड़बड़। अंदर में चैतन्य रुद्धि है, तो रुद्धि संबंधी विकल्प में भी वो रुकना नहीं चाहता है, इतना निष्प्रू हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए। एवो निष्प्रू थी जाए छे कि मारे मारू अस्तित्व जो ये छे, एक एक गुण नहीं चाहिए, गुणों का खजाना मेरा अस्तित्व जो है, मूल चीज मूल पदार्थ जिसमें सारे गुण अंदर में पूरे भरे पड़े हैं, गुणों का जो धारी है, गुणधारी वो चाहिए, वो मैं, वो चाहिए मुझे। अभी अंदर जवानी तीखी तमन्ना लागे, अंदर जवानी मतलब आत्मा को प्राप्त करने, तो आत्मा प्रकट होवे तो ही प्राप्त होता है। वेदन के पीछे जाओगे तो वेदन थोड़े दिन तक आएगा, बाद में बंद हो जाएगा, कम होकर फिर अपने को आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा चलता था, अब क्यों कम हो गया, तूने चॉइस गलत कर दी, तूने भगवान की वैल्यू कम करी और वेदन की वैल्यू ज्यादा करी, तुम शांति में फंस गए, उतने में संतोष मान लिया और शांति का खजाना रह गया बाजू में, उसको तुमने नहीं चाहा। प्रेम तो एक से ही करना है, शांति से भी प्रेम नहीं करना है, शांति के खजाने से प्रेम करना है, ज्ञान से भी, केवल ज्ञान से भी प्रेम नहीं करना है, केवल ज्ञान का दाता है जो खजाना जो स्वयं है उससे प्रेम करना है। मुझे मेरा अस्तित्व चाहिए, वो चाहिए मुझे, मूल पदार्थ चाहिए, मैं व्याज दे रहा हूँ ना, और व्याज को माल गोली नहीं चाहिए, व्याज असल रकम निकाल, और इतना जिसके निमित्त से व्याज आता है, जिसके निमित्त से व्याज आता है वो व्याज, वो उसकी वैल्यू है, अगर वो है तो व्याज है, वो ना वो नहीं है तो कहाँ से व्याज है, तुमने व्याज आ रहा है ना, नहीं चलेगा, पैसा निकाल, मूल पदार्थ पे नजर रहनी चाहिए, वेदन पे नजर नहीं रहनी चाहिए, मूल बात वो है, मूल अपना, वहां से नजर गई उसकी महिमा गई, उससे ज्यादा महिमा किधर भी आई कि गया होगा, मटिया मेल सब किया कराया सब जो दूर में फेंक देगा, किसको कहें, अब जीरो हो जाएगा पूरा, बिल्कुल बहुत अच्छा है, 20 नंबर का बोल जबरदस्त है, कल फिर लेंगे अग्रवाद। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण मुपद ते वर ते जयते, प्रण मुपद ते वर ते जयते, प्रण मुपद ते वर ते जयते।